है गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हेड 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके जनरल स्टडी के टॉपिक के बारे में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2016 का द हेड क्वेश्चन पेपर है। गाइस, 2016 में जो द हेड एग्ज़ाम हुई थी, दो शिफ्ट में हुई थी, तो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा 2016 का सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के जनरल स्टडी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, ये ऑप्शन कंट्रोल टी या कंट्रोल ए, कंट्रोल एफ या कंट्रोल एन। तो आंसर है गाइस कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का जो उपयोग है कीबोर्ड में शॉर्टकट का उपयोग दस्तावेज के समस्त टेक्स्ट को चयनित करने के लिए किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिस ऑफ फिश कल्चर, यानी कि निम्न में से मीन संवर्धन का कौन सा अभ्यास नहीं है। ऑप्शन फिश कल्चर इन केज यानी पिंजरों में मत्स्य खेती, या धान मीन संयुक्त संवर्धन, परते या जल कृषि। तो ये है गाइस सी परते। जो परते जो है कि जो ऑप्शन है हमारे पास अदर ऑप्शन, उनमें से मीन संवर्धन का अभ्यास नहीं है, जबकि जो फिश कल्चर इन क्लेज और पेडी कम फिश कल्चर और एक्वा कल्चर जो है कि मीन संवर्धन का अभ्यास है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बघेली लैंग्वेज डज नॉट स्पोकन, यानी कि जो हमारे पास एग्जांपल जो ऑप्शन है उनमें से कौन से ज़िले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। ऑप्शन रीवा, टीकमगढ़, सतना या सीधी। तो ये है गाइस टीकमगढ़। जो टीकमगढ़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में बघेली बोली नहीं बोली जाती है, वहाँ पर गाइस बुंदेली बोली बोली जाती है। और जो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाले जो इलाके हैं, वो जो शहडोल है, अनूपपुर है, उमरिया, उस क्षेत्र में जो हैं, जो यानी कि जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बघेली भाषा बोली जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड द होलकर डेंसिटी, होलकर राजवंश की खोज किसने की। ऑप्शन यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर या शिवाजी राव होलकर। तो आंसर है गाइस मल्हार राव होलकर। जो मल्हार राव होलकर है उन्होंने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन जो है कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमिडिएटली इन द प्लांट आर स्टोर्ड। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वे किस रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन मांड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या चीन। तो यह है गाइस स्टार्च, यानी कि फर्स्ट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वो पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कि विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस, मैक्रोस बनाने के लिए एमएस वर्ड की कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन विजुअल सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक या प्रो या एक्सेस। तो आंसर है गाइस बी विजुअल बेसिस। जो विजुअल बेसिस है मैक्रोस बनाने के लिए एमएस वर्ड में जो यूज़ की जाने वाली एक भाषा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें दतिया, जबलपुर, मुरैना या इंदौर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा गाइस दतिया। दतिया जो है 2016 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। और वर्तमान यानी 2021 की अभी हम बात करें तो अभी की दृष्टि से हम देखें तो निवाड़ी जो कि 2018 में बना मध्य प्रदेश का सबसे जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ नेचुरल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। ऑप्शन मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकल क्षेत्र या नर्मदा सोन घाटी। तो ये है गाइस द वेस्टर्न प्लेट्यू, जो पश्चिमी पठार हैं वो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, निम्न में से कौन सी बीमारी विश्व में मैंने मिटा दी है। ऑप्शन छोटी माता, कुष्ठ रोग या पोलियो मेरुरज्जु शोथ या फिर चेचक। तो चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स डिजीज कहा जाता है, इस डिजीज़ को जो है वर्ल्ड से ख़त्म कर दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट, दोहराए गए शब्द पर एमएस वर्ड कैसी प्रतिक्रिया करता है। हाउ विल एमएस वर्ड रिस्पॉन्ड इफ अ वर्ड इज रिपीटेड। तो ऑप्शन है, दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरिया रेखा बनती है, या दोहराए गए शब्द के नीचे हरा लहरिया रेखा बनती है, या दोहराए गए शब्द के नीचे एक नीली लहरिया रेखाएं बनती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है अ रेड वेव लाइनर अंडर द रिपीटेड वर्ड, यानी कि दोहराए गए शब्द के नीचे एक लाल लहरिया रेखा दिखाई देती है। नेक्स्ट, वेयर डू कुकिंग वेजल हैव वुडन और बैकलाइट हैंडल्स, यानी कि भोजन पकाने के बर्तनों के जो हैंडल लकड़ी अथवा बैकलाइट प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। ऑप्शन है, क्योंकि हैंडल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हैंडल आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि हैंडल जो होता है बैकलाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी, बिकॉज द वुड एंड बैकलाइट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो लकड़ी और बैकलाइट प्लास्टिक जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इस कारण जो है कि हम भोजन पकाने के बर्तनों में जो हैंडल जो होते हैं उनके लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज ए रिवर इरिगेशन पॉपुलर, यानी कि नदी सिंचाई किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ये है गाइस मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में नदी सिंचाई जो है कि ज़्यादा प्रचलित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्लांट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लांट डेट ग्रो ऑन स्टोन एंड रॉक आर कॉल्ड, पाषाण और शेल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन बालुकोभिद, शैलभिद या लवणोमृद्भिद या अधिपाद। तो ये है गाइस लिथोफाइट्स, जो लिथोफाइट्स होते हैं या शैल भिद्ध होते हैं, ये पाषाण और शैल पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट, द डिफिकल्ट हीडर ऑफ अ वर्कशीट इज, एक वर्कशीट के लिए डिफ़ॉल्ट शीर्षक है यूज़र का नाम, तिथि एवं समय, शीट टैब का नाम या कोई नहीं। तो ये है गाइस कोई नहीं, यानी नॉन। तो एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट शीर्षक कोई नहीं होता है, तो आंसर इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि द्वितीय स्टोरेज डिवाइस का मुख्य प्रयोजन क्या है। कंप्यूटर की गति में वृद्धि करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना, या नेटवर्किंग करना, या डाटा संचय करना। तो आंसर है गाइस इसका डाटा संचय करना। डाटा संचय करना जो है कि मेन पर्पस होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद व्हेन वाज कान्हा नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1995, 1955, 1981 या 1979। तो ये है गाइस 1955 में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। और कई इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ब्रेडरी नामक जो बारह सिंगा होते हैं, प्रजाति जो भारत सिंगा की होती है ब्रेडरी, तो यह केवल भारत के कान्हा नेशनल पार्क में ही पाई जाती हैं। और ये कान्हा जो होता है मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में फैला हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ट्रू, अंडपितक पोष्टक
प्रोटीन और वसा, मछली स्टार्च और विटामिन, मांसल भोजन कैल्शियम और प्रोटीन, दूध फाइबर और खनिज। तो कौन सा पॉइंट इनमें सही है, सेकंड या फोर्थ या केवल फर्स्ट, या केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड या केवल फोर्थ? तो इसमें से गाइस जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट, केवल फर्स्ट। जो अंडपितक में जो होती है प्रोटीन और उसका दोना होता है, ये युग में ही केवल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न कारकों में से महासागर धाराओं का कारण कौन सा है? समुद्री जल की परिवर्ती सघनता, परिवर्ती ताप, वायु या उपरोक्त सभी? तो आंसर है गाइस इसका उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन की विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यानी कि सबसे अधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? ऑप्शन महासागर, मरुस्थल, वन या पर्वत? तो ये है ओशियन, यानी कि जो महासागर है उसका सबसे अधिक स्थायी पारितंत्र या इकोसिस्टम माना जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन रीनेम्ड अस, जो महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड का पुनः नाम यह रख दिया गया। ऑप्शन ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, रूपसी स्टेडियम। तो यहाँ आंसर है गाइस होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम जो चेंज नेम है महारानी उषाराजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन देखें तो रूपसिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है, फिरोजशाह कोटला जो कि दिल्ली में स्थित है, और ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है। तो गाइस यहाँ से आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप यदि चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर अगेन।